आपको कोशिश करना है और आपको कोशिश हद तक करना है जिस हद तक आपको मंजिल ना मिले। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला बुलंद हो तो फासला क्या है। जी हाँ, इसी बात को हमारे आज के मेहमान ने सिद्ध किया। इन्होंने प्रकृति को ना तो सिर्फ टक्कर दी है बल्कि उसे चैलेंज किया है और सफलता वहां से हासिल की है। मैं बात कर रही हूँ हमारे आज के मेहमान का, जो कि भारत सरकार के कैनरा बैंक में बतौर मैनेजर कार्यरत हैं। इनकी जो कहानी है वो बाकी कहानी से थोड़ी सी अलग है। इनको बहुत ही छोटी उम्र में पता लगा था कि ये अपनी आंखों की रोशनी खोने वाले हैं। डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि आपको जो देखना है अब आप देख लीजिए, क्योंकि आपकी रोशनी बहुत जल्दी जाने वाली है। और काफी लोगों ने यह भी कह दिया था कि अब आप अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि इस इतनी सी रोशनी से अब पढ़ना संभव नहीं है। पर कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। इन्होंने कभी हार नहीं मानी और उसी संघर्ष से आगे बढ़ते हुए इन्होंने सफलता हासिल की। बाकी की कहानी हम आज इंटरव्यू पे इनसे मुंह जुबानी सुनेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आज के इंटरव्यू में मिस्टर रवि कुमार। नमस्कार रवि कुमार जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम पर। और मैंने आपकी स्टोरी जानी समझी, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ भी वो स्टोरी साझा करें, तो हम शुरू करते हैं। मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या रहा, आपकी शिक्षा कहाँ से ली, थोड़ा सा अपने बारे में आप बता दीजिए प्लीज। सबसे पहले आईसी जी आपको नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैडम, मैं बेसिकली झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड में देवघर डिस्ट्रिक्ट है, उसके देवघर डिस्ट्रिक्ट को बाबा की नगरी के नाम से कहा जाता है। वहाँ पे आपको ही पता होगा कि सावन के महीने में लाखों करोड़ों लोग अलग अलग जगह से आते हैं दर्शन करने के लिए, और ये काफी पवित्र जगह है। देवघर शहर को मतलब कि कहा जाए तो बाबा के नाम से प्रचलित है, हर लोग उसको जानते हैं, हर लोग उसके बारे में जानते हैं शहर के बारे में। और जब कभी आप वो शहर जाइएगा तो आपको एक अपनापन सा लगेगा कि कितना अच्छा जगह माए हैं, और मन को शांति मिलेगा। और मैं अपना स्कूलिंग से लेके ग्रेजुएशन तक लगभग मैं वहीं कंप्लीट किया हूँ। और कुछ समय के लिए बीच बीच में मैं मतलब कि रांची बोकारो में कुछ कोर्सेज करने के लिए बीच में गया था। आपको ही पता होगा कि हम लोगों का यूनिवर्सिटी जो है सिंधु कानून यूनिवर्सिटी, थोड़ा कभी कभी कुछ लेट होने की वजह से मन में होता है ना कि आपको आगे क्या करना है, तो इस तरह के सवालों को मतलब कि दूर करने के लिए फ्यूचर में क्या करना है इसके बारे में हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे कि आगे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है नहीं करना है। इन सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए मैं डिफरेंट शहर जाए कुछ तैयारी करने के लिए कि कुछ हो जाए। इसी तरह करके मैं अपना मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन देवघर शहर से किया, और बाद में फिर मैं MBA किया पटना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैंने करस्पॉन्डेंट से MA इन इकोनॉमिक्स किया। उसके बाद मीनवाइल उसी बीच में हमारा बैंक में नौकरी हो गया। उसके बाद फिर डिफरेंट कोर्स में अभी भी कुछ करते ही रहता हूँ साइड से। पढ़ने का काफी शौक है आपको? हाँ, पढ़ने का मुझे शौक है, और मैं बच्चों को हमेशा अभी भी पढ़ाता हूँ। मतलब कि पढ़ना पढ़ाना अभी भी बहुत काफी अच्छा लगता है। मतलब कि बहुत लगता है कि पढ़ना पढ़ाना इतना अच्छा चीज है कि आप किसी को ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान किसी के काम में आ जाए, इससे बड़ा कुछ उपलब्धि है नहीं। आप बहुत लोग कहते हैं ना कि
इस धरती में सबसे बड़ा दान होता है रक्तदान। उसी तरह किसी को ज्ञान का दान देते हैं, ज्ञान देते हैं किसी व्यक्ति को, और वो ज्ञान किसी के काम में आ जाए तो समझिए कि आपने बहुत कुछ कर दिया। वो जिंदगी भर आपका वो नाम लेगा वो व्यक्ति, और आपको अपने आप में खुशी मिलेगी कि चलो मैंने कुछ तो किया, कुछ तो किया अपने आप में ना, जो आपको अंदर से एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है। ये मैं हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से व्यक्ति इसको प्रोफेशन बनाते हैं, बहुत से व्यक्ति इसे हॉबी बनाते हैं। तो हमारे पास उतना वक्त नहीं है, लेकिन हाँ जितना मेरे पास वक्त मिलता है, जिन किसी लोगों को मैं कुछ कुछ दोस्तों के साथ शेयर करते रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि हमेशा पढ़ाऊं, जब भी मौका मिले कुछ बताने का कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे बताते रहता हूँ। तो मेरा कोई खास बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, छोटा सा बैकग्राउंड है। हाँ, बस ये है कि मेरे साथ बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा रहता है, हमारे क्या सबों के साथ रहता है। कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद कर ले तो श्रद्धा से तो आपकी बात जरूर सुन लेंगे। आप किसी भी जगह पे रहिए, चाहे हिंदुस्तान में रहिए, हिंदुस्तान के बाहर रहिए, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी बात वहां पे जरूर पहुंच जाएगी। और मुझे लगता है कि बताइए, आपकी बात से मैं कहना चाहती हूँ, एक कहावत है, कहते हैं कि अगर आप किसी को एक मछली देते हैं तो आप उसे एक वक्त का खाना देते हैं, अगर आप किसी को मछली पकड़ना सिखाते हैं तो आप उसके मतलब पेट भरने का आप उसको पूरा एक वो दे देते हैं। तो उसी से अगर आप किसी को नॉलेज दे रहे हैं तो मतलब वो उसकी सारी जिंदगी काम आएगी, उसको किसी भी तरह से उसे यूज कर सकता है। तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप पढ़ाने में बहुत इच्छुक हैं। हाँ, मैं मतलब कि बैंक में नौकरी आने से पहले मैं कुछ समय के लिए मतलब कि कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर जिसे आप कहते हैं DCA, या वो से छोटे इंस्टीट्यूट में मैं कुछ दिन काम भी किया था। फिर डिफरेंट जब भी वहां मौका मिला, जब तक बैंक में मैं जब तक नहीं आया था तब तक कुछ कुछ क्लासेस बच्चों लोग को भी देता था। मतलब कि जब भी जितना मौका लगा उस चीज को मैंने अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं अपने जब मैं खुद पढ़ाई करता था तो मेरे टीचर से मैंने ये चीज सीखा, और उनका पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा था कि मुझे लगा कि नहीं, सही में पढ़ना और पढ़ाना बहुत ही अच्छा चीज है। ये मतलब कि ऐसा चीज है जो कि आपको आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये ऐसा नॉलेज है, हमारे बैंक के टर्म में एसेट्स और लाइबिलिटी होती है, दो टर्म आती है, ठीक है। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, आपका क्या संपत्ति है, लाइबिलिटी मीन्स की क्या आपका दायित्व है। तो आप नॉलेज को एक लाइबिलिटी मानते हैं कि आपका ये दायित्व बनता है किसी को पढ़ाना या किसी को कुछ देना, आप उसे अपना कर्तव्य मानते हैं, तो ऑटोमेटिक वो आपका दायित्व एक समय में आने के बाद वो लाइबिलिटी बन जाए, मतलब कि आपका जो लाइबिलिटी अभी है वो लाइबिलिटी बाद में आपका एसेट्स बन जाएगा। ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, बैलेंस शीट का एक ये फंडा है, फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है बैंकर्स का। क्या बैंकर्स का क्या आपकी जिंदगी, हर व्यक्ति का जीवन का एक फंडा है कि एक तरफ आप जितना देते हैं एक तरफ आपको उतना वापस मिलता है। तो ये लाइन सभी लोग सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन कोई लोग उसे अमल नहीं करते, प्रयास नहीं करते कुछ करने का। लोग हमेशा कहते हैं ना कि मेरे पास कुछ है नहीं मदद करने के लिए, पैसे नहीं है या और भी कुछ संसाधन नहीं है, लेकिन लोगों के पास संसाधन हर व्यक्ति के पास है, चाहे उससे मदद करने का कुछ इच्छा होना चाहिए। कोई व्यक्ति पैसा से मदद करता है, कोई व्यक्ति अपने मतलब कि शक्ति से मदद करता है, कोई व्यक्ति किसी को माइंड से हेल्प कर देता है, समझा के किसी को नॉलेज देके। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका है आपको अपने नॉलेज को देने का। आप किस प्रकार से देते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार से चीजों को लिए हैं, ग्रहण किए हैं अपने स्कूलिंग के समय या ग्रेजुएशन के समय, पढ़ाई के समय में, वही चीज आपका आता है। जो हम लोग पढ़ाई करते हैं अपने, वही एटीट्यूड आपका इन सर्विस में, लाइफ में हो या बिजनेस करते हैं आप या जो भी प्रोफेशन करते हैं, वो एटीट्यूड आपको कंटिन्यू आपके फ्यूचर में चलते रहेगा। ये ऐसा पर्सनली मेरा मानना है कि आपका एटीट्यूड ही आपको कंटिन्यू आगे ले जाता है जिस ट्रैक पे आप जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि जितना मुझे समझ में आया, मैं आपको ना जो मेरा अपना खुद का अनुभव है वो मुझे मैं आपसे शेयर किया। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपको कब ये पता लगा था कि आपकी आंखों में कुछ परेशानी आ रही है, आपको कब महसूस हुआ कि कुछ दिक्कत आपको देखने में हो रही है? एक्चुअली मैं
ऐसा हुआ कि एक बार मैं स्कूल में एग्जाम दे रहा था, स्कूल की बात है, मेरे ख्याल से सर मैं क्लास 1 या 2 में था। तो मैं जनरली स्कूल में आगे बैठता था, सेकंड बेंच या थर्ड बेंच में, फर्स्ट बेंच तो लड़की लोग के लिए होता था, सेकंड या थर्ड बेंच के बाद बॉयज बैठते थे। तो मैं सेकंड बेंच में बैठता था, तो वहां से लगभग ब्लैक बोर्ड मुझे कुछ कुछ दिखता था, तो मैं उसे कॉपी कर लेता था। लेकिन जब जो एग्जाम हुआ, क्लास टेस्ट हो रहा था, एग्जाम नहीं क्लास टेस्ट ही था कुछ ऐसा ही, तो जो हमारे टीचर्स थे ना, तो वो उसने क्या क्या सीट चेंज कर दिया, आगे को पीछे, पीछे को आगे, इस टाइप का सीट का अरेंजमेंट कर दिया, चेंज कर दिया। अब ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन लिख दिए और वो बोले कि किसी को कुछ बोलना नहीं है, कीप साइलेंट, सी द ब्लैक बोर्ड एंड गिव द आंसर ओनली। उन्होंने सबको एक एक पेपर दे दिया, ब्लैंक पेपर। अब क्या है कि मुझे क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा, मैं आंसर क्या करूं, क्वेश्चन हल्का है या भारी है मुझे पता ही नहीं चल रहा था। फिर मेरे मन में सवाल कर रहा था, मैं करूं तो करूं क्या, अपने मन से क्या लिख दूं। तो फिर मैं बगल वाले का देखने की कोशिश किया कि आखिर मैं ये देखने चाह रहा था क्वेश्चन क्या है, मैं उसका आंसर नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ क्वेश्चन जानना चाह रहा था। तो मेरे टीचर ने मुझे देख लिया, उसने बोला कि आप मुझे डांटा कि आप क्यों देख रहे हो, आप सीधा देखो क्वेश्चन सामने है। फिर 2 मिनट के लिए मैं शांत रहा, फिर बाएं देखने लगा, तो फिर उसने बोला कि नो यू आर नॉट डूइंग गुड, आपको एग्जाम का टेस्ट भी नहीं होगा। तो फिर उन्होंने मुझे साइड कर दिया। तो फिर बाद में जब एग्जाम खत्म हो गया, तो मैं तो एग्जाम दे नहीं पाया, वो क्लास वो टेस्ट यूनिट टेस्ट। तो फिर टीचर ने मुझे बहुत डांटा, फिर उसने पूछा कि तुमने आंसर क्यों नहीं दिया। तो मैंने बताया कि सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। तो बोला क्वेश्चन तो आसान था, जो मैंने पढ़ाया वही क्वेश्चन पूछा था। तो उन्हें ये समझ में नहीं आया कि मैं क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहा हूँ, उसने समझा कि मैं क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहा हूँ, दोनों में अंतर है। तो फिर मैंने बताया कि सर आपने क्वेश्चन क्या लिखा था मुझे दिख नहीं रहा था। तो बोला कि व्हाट यू टोल्ड टेल मी अगेन। मैंने बोला कि सर मुझे ब्लैकबोर्ड नहीं दिख रहा है, ब्लैकबोर्ड में अपने क्वेश्चन क्या दिया। तो शॉक कर गए, बोले कि आप फिर से। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि आप सही में बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। तो मैंने बोला मैं सही बता रहा हूँ सर कि मुझे ब्लैकबोर्ड नहीं दिख रहा है ये। तो फिर इमीडिएटली उन्होंने मेरे फादर को कॉल किया, फादर को बताया कि इसको कुछ प्रॉब्लम है आंखों में, आप इसका ट्रीटमेंट कराइए। तो उस समय लगभग मैं शायद 1 या 2 में था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो फिर मेरे पापा या मेरे फैमिली मेंबर सारा शॉक कर गए कि ये क्या हो गया। और जैसा कि कहा जाता है कि किसी फैमिली मेंबर में कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो बाय जेनेटिक्स वो बच्चे में जाते हैं, लेकिन हमारे फैमिली में किसी को इस टाइप का कोई इशू नहीं है, कोई मतलब कि आई का प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ना फादर मदर किसी को नहीं। तो मेरे फैमिली में काफी चिंता का बात, टेंशन। तो फिर मेरे फूफा जी पटना में एक मतलब छोटे मोटे डॉक्टर भी हैं, तो उन्होंने कुछ डॉक्टर्स का नाम बताया मेरे को, पापा को। तो फिर पापा ने मुझे पटना में एक छोटे से डॉक्टर के पास दिखवाया। तो डॉक्टर को जब मैंने उसमें सारा बात बताया, तो डॉक्टर बोला कि ये तो अजीब प्रॉब्लम है, ऐसा मैंने केस तो कभी देखा ही नहीं है, मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम ये केस आया है ये केस। तो फिर उन्होंने बताया कि आप पटना तो अच्छा है कि कहीं बाहर दिखा दीजिए, आउट मतलब कि साउथ में कहीं चले जाइए वहां दिखाने के लिए। तो मेरे पापा को उतना उस टाइम उतना मतलब कि फाइनेंशियली हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं थे, और पापा को भी इंग्लिश उतना आता नहीं था, सब कुछ बोल रहे थे कि साउथ में जाने से इंग्लिश बोलना पड़ता है, वहाँ हिंदी कोई समझता नहीं है, तो काफी प्रॉब्लम था जाने में। तो हमारे कुछ रिलेटिव्स वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो उन्हें जाना था मतलब कि उन्हें जाना था साउथ में कुछ डॉक्टर के ट्रीटमेंट के लिए। तो पापा ने उनसे बात किया कि मुझे भी जाना है तो आप मुझे हेल्प करो। तो पापा ने बोला कि ठीक है। तो हम लोगों ने कंबाइंडली जाने का फैसला किया। तो फर्स्ट टाइम हम वहां पे शंकर नेत्रालय गए थे, चेन्नई में शंकर नेत्रालय फर्स्ट टाइम 93 या 4 एग्जैक्टली। तो डॉक्टर ने जब मुझे देखना चालू किया, तो वो भी डॉक्टर लोग जितने भी वहां डॉक्टर थे उस समय, सभी लोग मतलब कि मेरा केस को देख के आश्चर्य कर रहे थे कि एक्चुअली में हो क्या रहा था ना कि मुझे देख के वो समझ नहीं, उसे देख के नहीं लग रहा था कि मेरे आंखों में इतना बड़ा प्रॉब्लम है, देख के लग रहा था कि नॉर्मल, आप नॉर्मल इंसान है। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी इंसान के साथ कि जब कभी कोई इंसान का कोई पीएच
को दूर से दिख जाता है कि वो पीएच है, तो अदर पर्सन उसको अपने आप सपोर्ट करते हैं। आप कभी भी देखिएगा, कहीं भी यदि आपके बगल से कोई आदमी का हाथ में चोट है या पैर में चोट है, तो आप उससे खुद सिंपैथी देती है, खुद एनीबॉडी कोई भी इंसान देता है कि चलो उसका कुछ प्रॉब्लम। हाँ, ये ह्यूमन नेचर है, उसे सपोर्ट करना, उसे हेल्प करना। लेकिन मेरे साथ टफ काम ये था कि मेरे साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम है, मैं किसी को बता रहा हूं तो उसे भी बिलीव नहीं हो रहा है, लग रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब इस चीज को बताने में बहुत टफ काम था, तो समझाना, तो फिर ये चीज तो मुझे स्कूल में काफी दिक्कत हो ही रहा था, लेकिन मैं इस चीज को मैं समझ रहा था चीज दिक्कत है, तो मुझे भी लगा कि शायद मैं ठीक हो जाऊं। तो जब चेन्नई में सारा डॉक्टर ने, जितनी भी आई के डॉक्टर थे चेन्नई में, जितने सारे टीम ने मुझे चेक किया, उसके बाद एक दिन के बाद उन्होंने, उनके जो सबसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के जो हेड थे, उसने मुझे स्पेशली एक घंटे तक चेक किया और सारा चीज के बारे में रिसर्च किया मेरे बारे में। उसने फिर बाद में जब जजमेंट दिया कि हाँ आपका क्या केस है, तो उन्होंने बताया कि आपका केस बहुत ही रेयर केस है, ये ऐसा केस इंडिया में एक दो लोग को ही होता है, ठीक है, और ये इंडिया में तो ठीक नहीं हो सकता, ये इसका इलाज सिर्फ भगवान के हाथ में है, ये आप इंडिया में कहीं भी चले जाइएगा तो आपको इसका इलाज नहीं मिल सकता। तो ये बात डॉक्टर ने इंग्लिश में बताया था, तो डॉक्टर ने बताया मेरे फादर को कि आप किस में समझना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, तो पापा बोले कि हिंदी में। तो फिर वो डॉक्टर साउथ के थे तो वो हिंदी उतना अच्छे से जानते नहीं थे, थोड़ा मोड़ा उन्होंने हिंदी में बताया कि ये भगवान के अलावा कहीं ठीक नहीं हो सकता। फिर उन्होंने इंग्लिश में बताया कि इट इज नॉट क्योरेबल टिल नाउ। तो उन्होंने फिर मेरा केसेस को अपने ऊपर ले लिया स्टडी करने के लिए, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप 2-3 साल के बाद फिर आके एक बार ट्रीटमेंट के लिए आइए। उस बीच में फिर जब मैं निराश हो गया, तो फिर डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया कि आपका आयन इतना वीक है कि आप आगे अच्छे से स्टडी नहीं कर पाइएगा, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने स्टडी को वहां स्टॉप कर दीजिए, या फिर आप ज्यादा कठिन चीज मानना पड़े, ज्यादा स्ट्रेस वाली बुक्स या छोटी छोटी लाइन वाली बुक्स को आप स्टडी ना करें, क्योंकि आपको इससे ज्यादा स्ट्रेस होगा और इससे आपका जो भी विजन बचा हुआ है इट माइट विल बी कोलैप्स डाउन, आप फ्यूचर में यू मे बी ब्लाइंड। तो जब कभी आपके साथ इतना बड़ा बात हो जाए कम उम्र में, तो अपने आप में एक शॉकिंग होता है। आपने जैसे बताया कि आप कक्षा 1 में जो भी, मतलब आप काफी छोटे रहेंगे, तो आपने कैसे मैं बता रहा हूँ, क्लास 3 में था, क्लास 3 के बाद, जहां तक एग्जैक्टली याद कर रहा हूँ मैं, 2 या 3 का ये सारी बातें हैं। और मेरे पापा भी बहुत, मतलब कि मैं छोटा हूँ अपने फैमिली में, मैं मतलब 4 हम लोग फैमिली मेंबर हैं, 2 भाई और 2 बहन है, तो सबसे छोटा मैं ही हूँ अपने फैमिली में। तो मम्मा पापा को भी काफी शौक, मतलब कि इतना बड़ा बात, इतना प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा ये, तो मम्मी को भी हमेशा चिंता था कि मेरा कैसे ठीक होगा, कैसे हम कर पाएंगे, कैसे आगे लाइफ में क्या करेगा नहीं करेगा। तो ये भी मुझे देख के खराब लगता था कि मम्मी पापा को भी परेशान रहते हैं देख के, तो मैं कोशिश किया कि उनके टेंशन को कम करूं, अब मैं अपनी लाइफ में नॉर्मल जीना चालू कर दिया। आपने मुझे काफी आपने जैसे बताया कि आपकी किसी भी चीज को, तो मैं उसके लिए क्या करता था ना कि जो टीचर्स ब्लैकबोर्ड में जो चीज लिखते थे, तो मैं कोशिश करता था कि उसे सुन के लिखूं। जैसे बहुत टीचर लोग होते हैं कि अभी भी आप देखते हैं कॉलेज में या स्कूल में कहीं भी, वो बोल के लिखते हैं, कुछ भी ब्लैकबोर्ड में लिखते हैं, तो जो टीचर बोल के, हाँ, तो मैं उस चीज को जितना वो बोलते थे उसके पहले मैं लिख लेता था, वो जैसे बोलते जा रहे टू द, तो मैं उस चीज को लिख लिया और उसको फिर मैं घर में आके एक दूसरे कॉपी में शेयर करता था। और बार ऐसा हो रहा था कि कुछ लाइन में छूट भी जाता था, तो जो लाइन छूट गया है उस लाइन को मैनेज करने के लिए मैं खुद से दिमाग में सोचता था कि यहाँ क्या होना चाहिए, इस जगह पे क्या हो सकता है जो लाइन कंप्लीट हो जाए। या फिर कभी मैं अपने दोस्तों के साथ जो बैठता था बगल में, उनका कॉपी लेके दिन क्लास में देख लेता था कि वो क्या लिखा है, तो वो बार बार मुझसे पूछता भी था कि यार तुम ये बार बार मेरा कॉपी क्यों ले रहे हो, ऑलरेडी कल तो सर ये चीज पढ़ा चुके थे। मैं बोला ऐसे ही यार, बस थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा था कि
तुम कितना अच्छा लिखते हो, मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ थोड़ा। मैं फिर ये बात बता नहीं पा रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर कुछ ऐसा समय आया कि क्लास 7-8 में मेरे क्लास टीचर ने मुझे नोटिस कर लिया। एक टीचर मेरे बहुत अच्छे टीचर्स थे, वो इतने अच्छे टीचर्स थे कि उन्होंने रीड कर लिया कि इस बंदे को कुछ प्रॉब्लम है आंखों में। तो फिर उन्होंने मुझे गाइड करना चालू किया, उन्होंने बताया कि तुम्हें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करो। तो फिर मैंने एक बार उनसे डर के बताया कि हाँ सर मेरा कुछ प्रॉब्लम है, तो बोला कि आप स्पेक्टिकल्स पहनना चालू कर दीजिए, चश्मा पहनिए, आप आराम से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लासिक 7 में चश्मा पहनना अपने आप में एक और लगता था कि अब कोई पहनता नहीं है, अब मैं ही पहनूं, सबसे डिफरेंट लगूंगा, मतलब मन में होता है नेगेटिव बात तो सबसे पहले ही। उस उम्र में कोई गाइड करने वाला भी नहीं, मम्मी पापा को ये बात मैं बता नहीं सकता कि मेरे स्कूल में क्या चल रहा है, और हम लोग छोटे फैमिली के थे तो इतना अच्छा मोटिवेट करने वाला कोई मेंटर भी नहीं था मेरे पास। तो सिर्फ मेरे पास एक ही मेंटर्स थे, मेरे बाबा भोलेनाथ। वो भी जब कभी मुझे मन में मैं डिप्रेशन में होता था तो मन ही मन अपने भगवान को याद कर लेता था कि बाबा भोलेनाथ मेरे साथ ऐसा आपने क्या किया, ये क्यों किया। फिर कभी कभी समझ में आता था कि नहीं, जो भी होता अच्छा ही होता है, इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, कुछ तो होगा इसके पीछे। इस तरह करते करते धीरे धीरे मैंने अपना पढ़ाई को धीरे धीरे कंटिन्यू किया, कभी मैंने अपने स्टडी को छोड़ा नहीं। चैलेंजेस तो मेरे साथ बहुत बहुत ज्यादा थे, इतने ज्यादा चैलेंजेस थे कि इस चैलेंजेस को मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा था। ऐसा कोई मेरा दोस्त नहीं था उस समय, ना मेरे फादर मदर, ना कोई टीचर, बस इस प्रॉब्लम को मैं ही जान रहा था, और जो मेरे मम्मी पापा, और तीसरा मेरे भगवान जान रहे थे। बस मैंने कंटिन्यू अपने पढ़ाई को चालू किया। फिर धीरे 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 फिर मैट्रिक का भी मेरा समय आ गया। तो मैट्रिक में भी एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि मतलब कि मेरे मम्मी पापा को इच्छा था कि मैं नौकरी करूं। मैंने दो भाई थे, तो मेरे भैया को मतलब कि पढ़ने का शौक था, लेकिन उनको बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट था शुरू से। तो मेरे मम्मी पापा को शौक था कि यदि एक बेटा बिजनेस करता है तो अगला नौकरी करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे भी। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं दिल में लग गई थी कि मेरे मम्मी पापा को इच्छा है कि मैं कुछ तो करूं। अब उस कंडीशन में दोनों बात में दिमाग में चल रहा था कि कुछ करना भी है और ये प्रॉब्लम भी है, कैसे करूं इस चीज को मैं। तो फिर किसी ने बताया कि ज्यादा कुछ मत करो, जो तुमसे हो पा रहा है कंटिन्यू करो, जो होगा आगे देखा जाएगा। मैंने कुछ ने दिमाग में लगाया उस समय, फिर मैं दोबारा आऊंगी। मैं अभी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने बोला कि डॉक्टर्स ने आपको दोबारा बुलाया था कि कुछ 3 साल बाद आप आइए, तो तब आपकी कुछ मदद हो पाई थी? हाँ, क्योंकि आपने बताया कि आप कक्षा 8वीं तक आप वैसे ही अपने आप को आपने निकाला उसी कष्ट के। हाँ, मैं जिस समय 93-94 में गया, उसके बाद फिर मैं सेकेंड टाइम गया था लगभग 4-5 साल के बाद। तो वह 4-5 साल के बाद फिर मैं गया, तो वहां भी डॉक्टर्स ने बताया कि टिल ना इसका कुछ नहीं हो, सोल्यूशन नहीं आया। तो किसी ने बताया, वहीं पे डॉक्टर्स ने बताया कि आप दूसरे डॉक्टर्स को भी ट्राई कर लीजिए। मेरे दिमाग में एक ही था कि शंकर नेत्रालय इज द बेस्ट वन इन इंडिया, इससे अच्छा कोई जगह नहीं है इंडिया में। तो किसी ने बताया कि एलवी प्रसाद हैदराबाद में एक डॉक्टर, अभी टीम वहां बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने हैदराबाद भी गया। उसके बाद फिर मैं हैदराबाद जाने के बाद वहां से मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो क्योंकि किसी ने बताया कि इंदौर मेरे और डॉक्टर है पीएस हाडिया। उसके बाद फिर मैडम मैं पीएस हाडिया गया डॉक्टर के पास इंदौर में। उन्होंने मुझे पहला एक होप दिया कि आपकी जो विजन इतना कमजोर है, इसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए एक चीज ये कर सकता हूं कि मैं आपके आंखों में लेंस लगा सकता हूं, जिससे कि आप बगैर चश्मा पहने उस चीज को आप बेहतर देख सकते हैं। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे पास विजन तो है नहीं ज्यादा, थोड़ा सा विजन है। यदि डॉक्टर बोले कि मैं 100% श्योर हूं कि आपका ठीक हो जाएगा, ये ठीक है, मतलब कि लेंस लगाने से कुछ आप अच्छे से देख पाइएगा, लेकिन फिर मेरे मन में डर लग रहा था कि कहीं कुछ थोड़ा सा भी इफेक्ट होता है सर्जरी में, कुछ भी होता है, आई विल बी कंप्लीटली ब्लाइंड। तो इतना बड़ा डिसीजन लेने का मुझ में हिम्मत नहीं था। फिर मैंने वहां से
छोड़ दिया वहां पर पीएस हार्डिया सर से मिलने के बाद, लेकिन सर ने एश्योर किया था कि मैं 100% अपना दूंगा, अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट आपको दूंगा। लेकिन फिर थोड़ी सी हेल्प तो आई होगी ना जब उन्होंने ये बताया होगा कि हाँ कुछ एक इलाज है जो हम ट्राई भी कर सकते हैं। हाँ मैं फिर अपनी तरफ से ट्राई कर रहा था लेकिन मुझे कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं अपना काम को स्टडी को या अपने प्रोफेशन को मैं कहीं कुछ रोका नहीं था, इट वॉज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, साइड वाइज मैं अपना कुछ कर भी रहा था, टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी काम भी कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने और भी डॉक्टर्स के पास गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स इंडिया में, जहां जहां डॉक्टर्स के बारे जो भी मुझे कोई डॉक्टर्स के बारे में बताया, जहां भी बताया इंडिया में, तो कोई कलकत्ता में बताया दिशा जाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में मैं गया, तो किसी जगह मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। किसी ने बताया कि एक डॉक्टर्स का टीम है इंग्लैंड में अब्रॉड, इंडिया के बाहर जाने के लिए किसी ने मुझे डॉक्टर ने सजेशन दिया, तो फिर ये इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं अब्रॉड जा पाऊं, तो अभी तक टिल नाउ तो मैं बाहर नहीं गया हूँ इंडिया से बाहर, लेकिन हाँ इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं टॉप क्लास के आई से रिलेटेड मैं सभी के पास दिखवा चुका हूँ, मतलब कि एम्स में भी मैं आ चुका हूँ, एम्स में एक बार जा चुका हूँ, एम्स में भी मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला। इसका सॉल्यूशन सिर्फ अब एक ही है, बस ऊपर वाला का जब तक आशीर्वाद मेरे साथ है तब तक मैं दुनिया को देख रहा हूँ, अपना लड़ाई लड़ रहा हूँ, जीवन को जी रहा हूँ। मैडम देखिए ऐसा है ना कि जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना तो आपको अपने अंदर से विल पावर को जनरेट करना पड़ता है। जब मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों का वीडियोस या बहुत से लोगों के बारे में सुना, स्टडी किया कि बहुत से हैंडीकैप लोग मतलब कि अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, तो मुझे इंस्पिरेशन मिला कि वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि अनसर्टेनिटी तो किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और जहां तक बात रहा फिजिकली चैलेंज पर्सन, तो फिजिकली चैलेंज पर्सन का मतलब ये नहीं हुआ कि आप काम नहीं कर सकते, यू आर कैपेबल टू डू ऑल टाइप ऑफ वर्क एट एनी सिनेरियो एनीवेयर। तो जब आपको अंदर से जब विल पावर मिल जाता है तो आप किसी भी चीज को कर सकते हैं, और मैंने इस चीज को किया भी, बहुत बार किया, बहुत जगह मैं अपने मतलब कि अपने वर्क प्लेस में बहुत बार ऐसा होता है चैलेंजेस मिलते हैं कि आपको ये टास्क दिया गया है इसको करना है, तो उस समय आपको लगता है कि नहीं ये मेरे नया असाइनमेंट मिल गया इसे कंप्लीट करना है। तो इस टाइप के आपके लाइफ में हर दिन आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि देखिए किस दिन क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए। और इस बात को मैं डर मतलब कि मेरे मन में डर रहता था कि नहीं कभी कुछ हो जाएगा तो आगे मैं क्या करूंगा, तो ये नेगेटिविटी दिमाग में हमेशा हर इंसान के दिमाग में आता है नेगेटिविटी सबसे पहले, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस चीज से दूर रहूं। और पॉजिटिव सोचने से क्या होता है ना कि आपको ये बात की अपने मन में ख्याल ही नहीं आता कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप अपना काम कीजिए, आपके साथ ऊपर वाला हमेशा साथ है। और लाइफ में क्या होता है ना कि जब आप अच्छा करते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोग भी मिलते हैं हेल्प करने के लिए। मैं जब ग्रेजुएशन में था उस समय भी मेरे दोस्तों ने कुछ हेल्प किया, जब मैं इंटर में था उस समय भी कोई ना कोई दोस्त ने हेल्प किया, ग्रेजुएशन में, एमबीए में, जॉब में, अभी मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहां भी बहुत से कलीग्स लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे। बस आपका नेचर होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं मुझे ये काम करना है और अपने आप में अच्छा रहना है, तो आपको हर जगह अच्छा लगेगा, चाहे आप कहीं भी रहिए, किसी भी जॉब में रहिए। तो मेरा ऐसा खुद का मानना है कि ऐसा नहीं है कि आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप ये कैपेबल नहीं है, ये जो लोग सोचते हैं ये गलत सोचते हैं, जैसा खुद का मेरा मानना है, क्योंकि ये चीज को मैं खुद कर रहा हूँ, खुद मैं अनुभव किया हुआ मेरा, मैं किसी का ये और की बातें मैं नहीं बता रहा, खुद का ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि भगवान ने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया, तो आपको यू हैव टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड में कुछ आपको ही प्रूव करना है, हिस्ट्री तो सभी लोग पढ़ते हैं, वी आर द हिस्ट्री मेकर क्रिएटर, नॉट द रीडर ओनली। हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते इतना कुछ सीख लिया कि हम लोग भी हिस्ट्री बना सकते हैं कुछ, तो उसी राह पे हम भी निकल चुके हैं। अब कितना हिस्ट्री बनता है ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन अपने राह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और काफी अच्छा भी लगता है। कभी मैं अपने उस दिन को याद करता हूँ कि जब डॉक्टर्स ने बताया था मुझे कि आपको स्टडी नहीं करना है, वो डेट और आज का डेट
काफी डिफरेंस है, काफी चेंजेस हुआ लाइफ में। मैंने हर चीज किया, मतलब कि जब मैं मैट्रिक नहीं दिया था मुझे लगता था कि मैं मैट्रिक कैसे दूंगा, हाउ आई विल गिव माई मैट्रिक सोल्यूशन। तो मैंने मैट्रिक भी दिया और सबसे मजे की दार बात यह है कि मेरा सारा मतलब कि मार्क्स मतलब मैट्रिक टिल एमबीए फर्स्ट डिवीजन ही है, कोई मेरा सेकंड डिवीजन कहीं नहीं है, इवन कि मेरा एम इन इकोनॉमिक्स भी फर्स्ट डिवीजन ही है। तो आज तक ऊपर वाला ने मुझे कभी साथ नहीं छोड़ा, आज तक हर दिन हर समय मेरे साथ रहते हैं। जी एक कहावत है आपने जरूर सुनी होगी कि ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जिन्हें खुद पर भरोसा होता है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि आप सही राह पे निकल गए हैं ना तो ऊपर वाला आपको राह खुद दिखाते हैं। ये बात को मैं खुद मतलब कि देख लिया हूँ कि आपको, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कहाँ जाना है, मुझे ये भी पता नहीं था कि मैट्रिक इंटर के बाद इंटर में क्या लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए कि किससे क्या बेनिफिट होने वाला है, कुछ पता नहीं। मैंने मन में इच्छा किया कि कॉमर्स साइंस लेना, मैंने साइंस ले लिया। तो मैंने ऐसा नहीं है कि पढ़ाई भी कोई मतलब चूज किया, मेरे मन ने बोला कि कॉमर्स साइंस लेना चाहिए, सभी लोग साइंस पढ़ते हैं, देखो मैं साइंस पढ़ के, मैंने फिर साइंस पढ़ लिया। जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो मुझे लगा कि नहीं कॉमर्स ही पढ़ना चाहिए। तो साइंस के साथ सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि जब आप साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो यू कैन चेंज योर स्ट्रीम एनी टाइम, आप कॉमर्स भी ले सकते हैं, आर्ट्स भी ले सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार कॉमर्स लेकर देखना चाहिए एक बार, फिर मैंने कॉमर्स ले लिया। तो फर्स्ट ईयर तो मुझे काफी थोड़ा दिक्कत हुआ समझने में, लेकिन उसका बहुत मजा आया, मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा पेपर है कॉमर्स। मतलब कि लाइफ में आपको जो भी चीज करते हैं कैलकुलेशन, उसमें पर डे कॉमर्स का यूज है। फिर उसके बाद तो ग्रेजुएशन हो गया, फिर एमबीए मैंने किया तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे अच्छा मजेदार बात यह लगा पढ़ने के दौरान में कि आप सेल्फ स्टडी करने का मौका मुझे ज्यादा मिला। मैं टीचर से पर ज्यादा नहीं जा पाया, लेकिन हाँ एक टीचर्स मेरे मतलब मेरे बहुत ही प्रिय गुरुजी हैं, जो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस दौर में क्या होता था ना कि आपके पास इतने अच्छे टेबल कुर्सी नहीं होते थे, एक छोटा सा एक बरांडा रहता था घर का बरांडा, उसी में हम लोग शायद बीच में बैठे रहते थे। हम लोग उन्हें चारों 10-5 स्टूडेंट जो भी होते थे उनको हम लोग राउंड करके बैठ के पढ़ते थे। अब वो टीचर्स हमारे इतने अच्छे थे कि वो एक एक मैथ को दो बार समझाते थे, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में, क्योंकि कुछ बच्चे उसी में इंग्लिश मीडियम के होते थे तो बच्चे होते थे हिंदी मीडियम। जैसे मान लीजिए इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मैं दोनों से सीखते गया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री तो ये सब चीज हुआ ना कि तो मैं दोनों लैंग्वेज सीखते गया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो क्षेत्रनीति ये सब बहुत बहुत सब चीज ऐसा हुआ ना कि उस टीचर ने मुझे इतना कुछ सिखाया, प्लस मैथमेटिक्स के अलावा भी वो इंस्पायर करते थे कि आपको एग्जाम में कैसे क्रैक करना है, आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो भी आपको सॉल्व कैसे करना है, ट्राई लेना, छोड़ना नहीं, गिव अप नहीं करना है, यू हैव टू डू। तो ये आपका मेरे साथ समझिए कि लक भी था कि मेरे को जो भी टीचर्स मिले हैं वो अच्छे टीचर्स मिले हैं, अच्छे मेंटर्स मिले हैं, जो कि आपको ऐसी ऐसी बातें बताएं जो कि वो बात मुझे आज भी याद है, उन्हीं का इंस्पिरेशन है जो मैं आज भी अपने लाइफ में उस चीज को इंप्लीमेंट करता हूँ और सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों को कुछ सिखाऊं कि जो स्ट्रगल मैं किया वो तो तुम आपको नहीं करना है, आप उससे बेटर करो। तो ये सब चीजें चैलेंजेस तो मतलब कि अभी भी मेरे साथ हैं, ये हमको लगता है कि ये चैलेंजेस मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे, जब तक मैं धरती में हूं तब तक ये चैलेंजेस मेरे साथ रहेंगे। और मुझे अच्छा अब मैं हैबिचुएटेड भी हो गया हूँ इस चीजों को कि मुझे पता है कि ये चीज ठीक नहीं हो सकता, नहीं मुझे ये पता हो गया है कि ये चीज ठीक नहीं हो सकता, तो अब इसी के साथ आपको जीना है। जब आपको जब कुछ इसके बारे में पता हो जाता है कि नहीं इसका क्यों नहीं हो सकता तो उसके बारे में सोचना नहीं है, आप भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा किया तो उसने मुझे दूसरा चीज दिया ना, इतना अच्छा मेंटर्स दिए, नॉलेज दिए, माहौल दिए, आपके पास विजन होता तो भी तो आप कुछ करते ही ना, नौकरी करते हैं या सर्विस करते हैं, कुछ व्हाट एवर यू डूइंग, नहीं दिया तो भी तो मैं कर ही रहा हूं ना, तो भगवान ने तो अच्छा ही किया मेरे साथ, कुछ गलत तो किए नहीं, इसीलिए जो भी हुआ अच्छा ही हुआ मेरे ख्याल से। और मैं चाहता हूं कि भगवान ऐसे ही
मुझे आशीर्वाद देते रहें जीवन में, और लोगों का मैं जितना मुझसे हो सके भला करूं, अच्छा करूं, और जहां मैं जिस प्रोफेशन में हूं इस प्रोफेशन में भी लोगों का मदद करने काफी अच्छा मिलता है, मौका मिलता है। बैंक्स में इतने डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स आते हैं, डिफरेंट तरह के लोग आते हैं कि उनको आपको मतलब कि कभी कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम लेके आते हैं कि उसको लगता है कि ही इज रियली इन डीप ट्रबल। आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं सिर्फ अपने बात से, अपने सर्विस से, तो वो आपको मतलब कि इतना अच्छा विश करके जाते हैं, लगता है कि नहीं सही में आज मैंने सर्विस दिया हूं तो काफी अच्छा लगता है। और ये सर्विस देने मतलब मैं जो भी सर्विस दे रहा हूं तो दिस क्रेडिट गोज टू माय मेंटर्स, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली मेंबर्स। तो सभी अब मुझे मेरे को पढ़ने के लिए और मेरे फैमिली मेंबर ने हमेशा सपोर्ट किया, मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया, मेरी सिस्टर्स, जो भी सबने मुझे हमेशा बूस्टअप किया, इंस्पायर्ड किया कि नहीं तुम्हें कुछ करना है और तुम्हें नौकरी तो लेना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मम्मी पापा का ड्रीम था। और जब मैंने नौकरी लिया तो आप बिलीव नहीं करोगे, काफी हैप्पी, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली टू टेक द जॉब, बैंक जॉब, फर्स्ट पर्सन। मेरे बाद फिर मेरे कलीग मतलब मेरे ब्रदर लोग लिए, बाद में लिए कजन ब्रदर, और भी लोग बहुत से लोग जॉब में फिर आए, बट दैट टाइम जिस टाइम में मैंने जॉब को लिया था दैट टाइम आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई होल फैमिली। मतलब कि मेरे दूर के रिलेशन में भी बहुत कम ही लोग, एक दो इक्का दुक्का लोग होंगे जो जॉब में थे, सभी लोग बिजनेस में ही थे। उसके बाद से धीरे धीरे फिर जब मैं जॉब में आया तो बहुत से लोग मुझसे मिलना किए, मुझसे बातें किए, कैसे जॉब हुआ, कहाँ से आप कोचिंग किए, किसके साथ पढ़ाई की है। देखिये जब आप सक्सेस कर जाते हैं, कुछ पा लेते हैं, तो आपके पीछे पूछने वाले बहुत लोग होते हैं, जब तक आप नहीं करते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं ना कि कॉन्ट्रावर्सी इज पार्ट ऑफ योर सक्सेस। किसी लाइन, किसी किताब की लाइन में नहीं पढ़ा था किसी के, और मुझे नॉवेल्स भी पढ़ने का बहुत शौक है, तो कभी कभी जब मुझे मौका मिलता है तो मैं कभी ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूँ, बहुत ऑटोबायोग्राफी पढ़ा हूँ, काफी अच्छा लगता है बुक पढ़ना मुझे। मैं वो चीज को नहीं पढ़ पाता हूँ तो मैं उससे कोशिश करता हूँ कि सुन के पढ़ लूं उसे, उसको। अभी के समय में तो काफी अच्छा है कि यूट्यूब या डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स आ गए हैं, किस चीज को आप, इस चीज को आप सुनना चाहते हैं आप उस चीज को सुन के ही पढ़ सकते हैं। जब मैं स्कूलिंग में था उस समय की फैसिलिटीज नहीं था, उस दौर में काफी स्ट्रगल हुआ मेरे साथ, अभी के दौर में स्ट्रगल नहीं है। और अभी के दौर में क्या है कि गवर्नमेंट का ही बहुत सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट के भी डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस आते रहते हैं, इसी रिलेटेड पीएच के रिलेटेड सपोर्टिंग आते हैं। उस दौर में 90s से लेके 2000 के बीच में उतना सरकार का भी सपोर्ट नहीं था और लोग को बताने में भी खराब लगता था। अभी है क्या है कि बहुत से विजन में प्रॉब्लम बहुतों को है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही है। हाँ, हो सकता है कि किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। हाँ, हमारा केस कुछ डिफरेंट है, वो अलग है, लेकिन वो केस आपको दिखेगा ही नहीं या समझ में भी नहीं आएगा। ये डॉक्टर्स को जब समझ में नहीं आया तो हमें आपको समझना मुश्किल है। ये इस केसेस डिफरेंट टाइप का ही केस है ये, इसीलिए अब मैं इस केसेस के बारे में ना कुछ सोचता हूँ, डिस्कस करता हूँ। बस जो ऊपर वाले ने काम करने को मुझे भेजा है उस काम को कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि यार करते रहूं। आपकी यूट्यूब के माध्यम से मैं यही चाहूंगा, यही बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जो भी हैंडीकैप लोग हैं अपने आप को निराश नहीं कीजिए, अपने आप को बूस्टअप कीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी पर्सन तो वही काम करते हैं जो आप भी करते हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तभी तो आप पीएच हो, तभी तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क भी करना है। आप जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं तभी लोग आपको बोलते हैं ओ यार यू आर डूइंग वेल, ऐसे लोग नहीं कहते हैं कि वेल, उस वेल को सुनने के लिए यू हैव टू डू एट एनी कॉस्ट और बियॉन्ड योर लिमिट। आपको लिमिट भी पार, कभी कभी पार ऐसा होता है ना कि जब आप वर्क करते हैं, कुछ काम करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में खुद भी आते हैं और जो आपके सराउंडिंग्स के लोग होते हैं वो भी बोलते हैं ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसका प्रॉब्लम है, ऐसे है, ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। अब जब आप सक्सेस कर जाते हैं, कुछ कुछ भी हासिल कर लेते हैं, छोटी सी भी चीज,
तो वही लोग आपको फिर सपोर्ट करने आते हैं, हाँ मुझे पता था कि ये बंदा कर सकता है, मुझे लगता है कि ये बंदा कर सकता है। और एक बार जब आप स्टेज पे आ जाते हैं तो आपको खुद से इंस्पिरेशन मिलेगा कि ये हम आगे कुछ करें, और आगे आप कर भी जाते हैं। ये मतलब ह्यूमन नेचर है, आप खुद इस चीज को अनुभव करते होंगे। जब हम लोग स्कूल में थे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो जब ये गॉड गिफ्ट नेचर सबके साथ दिया गया है तो हमारे साथ क्यों नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे साथ क्या है, कि सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इस थोड़ा सा प्रॉब्लम के चलते हम अपना जिंदगी को तो नहीं छोड़ सकते ना। और एक चीज ये भी है कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस देखते हैं, तो आपको लगता है कि दुनिया कितना खूबसूरत है। बहुत सारी चीज को ऐसा नहीं होता है कि आप देख के अनुभव करते हैं, बहुत सारी चीज को आप ऐसे भी अनुभव कर सकते हैं। आप नेचर की ब्यूटी को देखिए, ऐसे ही आप महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख पा रहे इस चीजों को तो मैं आपको अनुभव नहीं कर सकता। आप कोई भी भगवान कोई चीज कम देते हैं तो उसको दूसरा चीज में आपको दूसरा सेंस देख देते हैं, जिस चीज को आप अनुभव कर सकते हैं। अपने उस अनुभव से आप कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो कि आप नहीं कर सकते अपने जीवन में। आप मतलब कि हर तरह के जॉब आप कर सकते हैं, किसी भी चीज को कर सकते हैं। और हर आज के डेट में ऐसा नहीं, बहुत से एग्जांपल्स हैं। मैं बहुत से बुक्स में पढ़ा हूँ, बहुत से लोगों को भी देखता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट आप अपने लोकेशन में देखिएगा, अपने एरिया में देखिएगा, बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, फिर भी वो अपने आप को कंटिन्यू करते हैं, अच्छे से अच्छी जगह पे है। तो ऐसा नहीं है, बस आपका एक पॉजिटिव सोच आपको आगे ले जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आपका पॉजिटिव सोच, आपका मेंटर ही आपको आगे ले जा सकता है। चलना तो आपको ही पड़ेगा, मेंटर्स तो आपको उसकी राह बता सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत बार आपको मन में रास्ते में बीच में मन डगमगा जाए, रास्ता आपका कुछ मन में नेगेटिव्स आ जाए, तो उस समय क्या होता है ना कि आप अपने माता पिता को याद करते हैं, उनके बातों को। जब हम लोग कहीं बाहर पढ़ते हैं, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो हैंडीकैप हो या ना हैंडीकैप हो, ऐसा नहीं है कि उनके साथ भी चैलेंजेस नहीं आते हैं। जो लोग हैंडीकैप ना है, जो ऑर्डिनरी है, वो लोग भी उनके साथ भी चैलेंजेस आते हैं। कभी कभी उनका भी मार्क्स कम आ रहा है, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं 2 बार 3 बार दे रहे नहीं होता है, तो उस समय वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। जगह पे भी क्या होता है ना, उस जगह भी आप अपने माता पिता के मेंटर्स को याद करते हैं ना, यू विल गेट इंस्पिरेशन एंड यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। ओके रवि जी, आप सरकारी नौकरी में अभी कार्यरत हैं, तो आपने इसकी तैयारी कब शुरू की थी? किस चीज की तैयारी? सरकारी नौकरी की तैयारी, बैंक की तैयारी, इन सब चीजों की तैयारी आपने कब शुरू की? सरकारी नौकरी की तैयारी मैडम, ऐसा हुआ कि मैडम जब हम ग्रेजुएशन में थे तो मुझे लगा, ऐसा लगा कि जैसे कि आप जानती ही है कि सभी लोगों का ये कहना है कि इंटर के बाद ग्रेजुएशन करना है, तो मेरे मन में ख्याल आया कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, कौन सा कोर्स करें ऐसा जाए। तो अचानक उस समय जब मैं पढ़ाई कर रहा था ग्रेजुएशन में, उस समय मेरे समय में MBA का बहुत स्कोप था। मैं किसी से पूछो तो क्या कर रहा हूँ भाई, MBA कर रहा हूँ। मुझे लगा कि MBA क्या, ये मतलब बहुत बड़ा नौकरी होता है क्या? तो मैं सोचा चलो उसको एक बार देखा जाए क्या है। तो MBA के बारे में जब पता किया तो बताया गया कि CAT, MAT और उसके अंदर बहुत सा एग्जाम होता है, इसका टॉप लेवल का एग्जाम CAT होता है, फिर MAT है, फिर बहुत सा IRMA एक आता है गुजरात में स्पेशली, एक और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के कुछ एग्जाम होते हैं रिलेटेड। फिर मैंने कुछ कोचिंग में जाके पता करना कोशिश किया कि इसके रिलेटेड कैट का कैसे तैयारी करना है। तो फिर उस सब ने बताया कि जनरल मैथ रीजनिंग करना है, तो फिर उसी से मैंने स्टार्टिंग मैंने वहीं से किया। फिर उस तैयारी करने के दौर में पता चला कि मुझे कि बैंक का भी सिलेबस सेम ही है, बैंक PO का भी सिलेबस लगभग मिलता जुलता ही है, सेम है, थोड़ा मोड़ा सिलेबस में अंतर होता है। फिर मैंने अपने से पहले मेरा क्या था कि मुझे मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, मैथ्स रीजनिंग बनाना मुझे शुरू से, मैंने बताया ना कि मैं अपने स्कूलिंग लाइफ में मैंने टीचर्स के पास, टीचर्स से मैंने पढ़ा था, वो मैथ्स काफी अच्छा पढ़ाते थे, तो उनका था गुडविल था मेरे साथ, उनका आशीर्वाद था कि मुझे मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं हुआ बनाने में, मैथ्स रीजनिंग में
हाँ ये था कि मुझे देखने में प्रॉब्लम होता था, मैं स्पीड अप कम था, जो लोग एक घंटा में मतलब कि 100 सवाल बनाएंगे तो मैं एक घंटा में 50-60 सवाल ही बना पाऊंगा, तो मेरा स्पीड बहुत कम था। तो मैंने उसके लिए क्या किया कि मैं खुद से मार्केट से बीएससी पब्लिकेशन का बुक, एक क्वेश्चन सेट आता है, तो 2-3 सेट मैंने उसका खरीद लिया और खुद से बनाना चालू कर दिया। उसके बाद फिर मैं कुछ दिन के लिए महिंद्रा कोचिंग में जाना चालू कर दिया प्रैक्टिस करने के लिए। महिंद्रा वाले ने बोला कि आप सर क्लास ले लीजिए, मैंने बोला मेरी क्लास नहीं चाहिए, मेरी क्लास नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एग्जाम देना आपका बस। तो वीकली वो एग्जाम लेते थे और मैं प्रत्येक वीक में स्टेट एग्जाम का एग्जाम देने में जाता था। उसी दौरान बहुत से एग्जाम देने जब मैं जाता था तो वहां भी कुछ कुछ फ्रेंड्स बन गए, उससे कुछ मैंने कुछ टिप्स लिया कि कैसे कुछ कैसे एग्जाम को सॉल्व किया जाए, फास्ट किया जाए एग्जाम को, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा बढ़ाया जाए 60-70-80 करने के लिए। फिर उन्होंने भी बताया, बहुत सारे टिप्स को बताया, फिर मैंने उस चीज को कंटिन्यू इम्प्लीमेंट किया करते 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 रेगुलर 1-1.5 साल का। और उस दौरान मैं अपने मतलब कि MBA का पढ़ाई स्टार्ट कर चुका था। जैसे मैं अपना उस समय मैंने एडमिशन भी ले लिया था ग्रेजुएशन के बाद PU में, पटना यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन भी ले लिया था और मैं अपना जब बैंक का तैयारी कर रहा था साइड से, क्योंकि मुझे लगा था कि जब मैंने कैट का एग्जाम दिया था तो कैट के एग्जाम अच्छा मार्क्स नहीं आया था, तो फिर मैट का मैंने एग्जाम दिया तो मैट के थ्रू PU में इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। तो मुझे लगा कि दूसरे यूनिवर्सिटी में जाऊं, दूसरे कॉलेज में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा फी थे। मेरा एक कॉलेज में हो गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस दिल्ली में, तो उस टाइम उनका 5-6 लाख फीस था, तो वो मुझे लगा कि मैं उतना एफर्ड नहीं कर पाऊंगा 6-7 लाख रुपीज, तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा तो मैं कुछ दूसरे कॉलेज में देखता हूँ। तो फिर मैंने पटना यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, उसमें मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आया, इंटरव्यू मैंने दिया तो फिर उसने मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे लगा कि चलो, फिर जब देवघर से फिर मैं पटना फिर आ गया, पटना में MBA के क्लासेस में सुबह करता था, सुबह में जाके कॉलेज मेरा मॉर्निंग क्लास होता था, दोपहर तक में क्लास खत्म हो जाता था, तो शाम से फिर मैं अपना बैंक का तैयारी करता था, वीक में जाके एग्जाम देता था। 1-1.5 साल के बाद फिर मतलब मैं 2-3 सेमेस्टर क्लियर कर चुका था, उसके बाद फिर उसी बीच में मेरा बैंक में नौकरी हो गया, फिर क्लरिकल में मेरा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बैंक में मुझे मिला एज ए क्लर्क के तौर पे। उसके बाद फिर जैसे क्लर्क हम देख रहे हैं, बाकी आप आज इस पोजीशन पे हैं। आपसे पूछना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताइए, कैसे है आपके बारे में, अपनी निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, पर्सनल लाइफ के बारे में। अच्छा, पर्सनल लाइफ बहुत सिंपल है, बस मेरी वाइफ है, बच्चे है, एक बच्ची है, एक लड़का है, दोनों भी, एक बेटी LKG में पढ़ती है, बेटा नर्सरी में पढ़ता है, और वाइफ हाउस वर्किंग है, वो भी MBA की हुई है, वो जॉब स्टार्टिंग में कर रही थी, फिर मुझे ऐसा लगा कि दोनों लोग वर्किंग हो जाएंगे तो बच्चे को समय दे नहीं पाएंगे, तो मैंने वाइफ को सजेस्ट किया कि आप कुछ दिन रुक जाओ, स्टे थोड़ा सा 2-3 साल के लिए, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, आफ्टर दैट यू में कंटिन्यू, क्योंकि आप MBA खुद की हो तो आप भी जॉब में आप कभी भी आ सकती हो, तो अभी मैं ही खुद मैनेज सारा कुछ करता हूँ, फाइनेंशियली जो भी कुछ फैमिली की होते हैं तो वही सारा मैनेज करता हूँ। मेरे फैमिली में जब मैं स्कूलिंग में था ही, तभी उस समय मेरी मामा की डेथ हो गई थी, और फैमिली में पापा है, भैया है, भाभी है, अंकल आंटी लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली है, फैमिली काफी जीवन है आपका। हाँ, मेरा जीवन बहुत साधारण है, लेकिन हाँ ये है कि मैं आपको बार बार ये बताना चाहूंगा कि साधारण जीवन है, लेकिन हाँ जिस शहर से मैं हूँ वो शहर साधारण नहीं है, उस शहर ने बहुत कुछ दिया, उस शहर ने इतना कुछ दिया कि मुझे लगता है कि सारा जीवन का खुशी उस शहर ने दिया है मुझे। अब आप कभी भी मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी मेरे दिमाग में कभी भी आता है, सिर्फ मैं अपने घर चले जाता हूँ, 2-3 दिन वहां रह लेता हूँ, सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। मन में जो भी कभी कुछ बात आ जाए, आप सिर्फ वहां जाने से, फैमिली मेंबर से मिलने से, बाबा से दर्शन करने से ही लगता है कि
आपको नया एनर्जी मिल गया, नया बूस्टअप आपको गया, फिर से आपको काम कर सकते हैं। जो भी मन में आपका डिस्टर्बेंस आपको आ रहे थे वो उससे आप बाहर निकल गए। तो फैमिली लाइफ में मतलब कि फैमिली मेंबर का भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई ना कोई तो सपोर्ट करना ही चाहिए, नहीं कीजिएगा तो फिर करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, चाहे वो आपके फादर मदर अंकल आंटी वट एवर सब। और मेरे साथ गुड लक ये था कि सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे अंकल आंटी फादर सिस्टर ब्रदर एनी, मतलब कि कभी किसी ने मुझे पढ़ने से नहीं रोका, सबने बोला कि आप चलो कोई तो समबडी हैज टू डू, समबडी हैज टू क्रैक द रिकॉर्ड ऑफ इन अवर फैमिली मेंबर। और फिर धीरे धीरे करते करते फिर वो चीज हो गया, जो चीज फैमिली मेंबर ने फैमिली मेंबर को चाहत थी इच्छा थी जिसको मैंने किया। और ऐसा काफी लोग को अच्छा भी लगता है, खुशी भी मिलती है कि आप कुछ करते हैं तो अगले लोग को भी रास्ता मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि आपके जो छोटे जूनियर ब्रदर हैं छोटे भाई लोग हैं उन्हें भी लगता है कि जब भैया कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि उन्हें भी एक रास्ता दिख जाता है, मेंटर्स मिल जाता है कि जिस ट्रैक पे आप गए आप उसे बताते हैं कि नहीं आप ये करो तो आपको ये फायदा हो सकता है, क्योंकि हमने उस चीज को देखा बाद में जाके कि हाँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना चाहिए, किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, पढ़ते समय क्वेश्चन बनाते समय किन बातों को देखना चाहिए जिससे कि आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो ये सब चीजों को थोड़ा वक्त लगता है लेकिन धीरे धीरे आप खुद सीख जाते हैं, और वो कहते हैं ना कि समय आपको बहुत कुछ सिखा देता है। आज मतलब बहुत सी चीज ऐसी होती है ना कि जो चीज आपको कोई नहीं सिखा सकता वो चीज आपको समय सिखा देता है। अब देखिए परिवर्तन तो हर किसी जीवन में आता ही है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपका आत्मीय परिवर्तन आती है, वो चेंज इज अ कॉन्स्टेंट लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ये बात यू ही नहीं किसी ने कहा है, तो यू ही नहीं कहा है, आपको रेडी रहना उस चेंज के लिए। हाँ यदि आप चेंज हो रहा है आप चेंज का हिस्सा नहीं बनते हैं तो वहां आप पीछे हो जाते हैं। कुछ भी चेंज हो रहा है उस चेंज का आपको हिस्सा तो बनना पड़ेगा, हिस्सा बनते हैं तो आपको उसका फायदा मिलता है, चेंज का हिस्सा आप नहीं बनते हैं तो आप खुद पीछे जा रहे हैं। ये तो अभी के बहुत जो यंग स्टूडेंट्स होंगे, यंग एस्पिरेंट्स होंगे आपका इंटरव्यू देखेंगे, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही चीज कहना है कि यंग लोगों के साथ, यंग जनरेशन के लोगों को, कि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते स्टडी के दौर स्टडी टेन्योर के समय में मैं खुद देखा हूं ना कि अनुभव किया हूं कि बहुत से नेगेटिव माइंड्स में बहुत से चीज आते हैं, बहुत तरह के माइंड नेगेटिव बात आते हैं कि फाइनेंशियली इश्यू हो गया, फैमिली मेंबर इश्यू है, कुछ फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर गलत फ्रेंड सर्कल मुझे मिल गया। तो क्या है ना कि इन सबों से क्या है कि आप अपने आप को सबसे पहले क्या है कि आपको अपने आप में डिटरमाइन होना पड़ेगा कि यू हैव टू डू, आपको कोशिश करना है और आपको कोशिश उस हद तक करना है जिस हद तक आपको मंजिल ना मिल जाए, क्योंकि ठोकरे तो मिलेंगे ही रास्ते में। अब ये नहीं कि ठोकरे मिल गए तो रास्ता बदल दें, ऐसा नहीं, रास्ता पे चलना है, आगे चलना है, कोशिश करना है और अपने आप को कुछ मतलब कि ऐसा सोचना है जिससे कि हमेशा हम पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने के लिए आप बहुत सी चीज कर सकते हैं, जो चीज आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है तो आपको कभी गाना सुन लीजिए, कभी अपने माता पिता से बात कर लीजिए, कभी अपने और भी जिस किसी फ्रेंड से आपको बात करने में अच्छा लगता है आप उससे बात कर लीजिए। तो क्या होता है ना कि आपको पॉजिटिव, आपका माइंड चेंज होते रहता है, क्योंकि उस टेन्योर में माइंड में इतना तरह का सवाल आते हैं, इस वर्ड की ये कब होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो मैंने स्टडी नहीं किया, वो छूट गया, ऐसा कुछ नहीं। बस आप कंटिन्यू कीजिए, नेगेटिव चीजों से दूर रहिए और अपने संगति को सुधारिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका सर्कल जिसके साथ आप स्टडी करते हैं, जिसके साथ आप रहते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने किसी मतलब कि एक बार मैं किसी किसी बुक्स में देख रहा था कि
एक लेटर है एबीसी, ठीक है। तो इस एबीसी को उस बुक में दिखा रहा था कि एक साथ लिख दिया गया एबीसी, और किसी ने पूछा कि ये बताओ क्या लिखा हुआ है, तो किसी ने बताया कि ये डब्ल्यू लिखा हुआ है, किसी ने बोला कि एम लिखा हुआ है, किसी ने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बताया। तो जो वो मेंटर्स थे उन्होंने बताया कि एक्चुअली में ये डब्ल्यू नहीं है ना एम है कुछ, ये डिफरेंट ही वर्ड है। तो बताया कि ये वर्ड ए बी सी है। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि बताना क्या चाह रहे थे। उनका बताने का उद्देश्य ये था कि आपका संगति अच्छा रहेगा तो आप उस चीजों को समझ पाइएगा कि क्या अच्छा क्या गलत है। संगति आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आप अच्छी चीज को भी समझ नहीं पाइएगा। तो लाइफ में क्या होता है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आप को अच्छे से रखना है, माइंड को अच्छे से सोचना है, आपको सोच को बनाना है। वो कहता है ना कि आपका शरीर में कोई चीज प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ इश्यू, तो आप दवाई खा के ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम माइंड में आ जाए उसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। शक का इलाज दुनिया में हर चीज का इलाज है, मगर शक का इलाज नहीं हो सकता है। तो अपने माइंड में किसी बात का शक नहीं लाना है, उसका इलाज कोई नहीं कर सकता, उसका इलाज आपको खुद ही करना पड़ेगा, डॉक्टर्स भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं यही अंक लोगों को बोलना चाहूंगा कि अपने पढ़ने के समय में कुछ गलत चीजों पर ना जाए, क्योंकि वो जिंदगी का 20 साल या 25 साल जो कि पढ़ाई में आप देते हैं, वो 25-30 साल आप अच्छे में समय में गुजारते हैं, अच्छे वक्त के साथ गुजारते हैं, अच्छे लोगों के साथ। तो आने वाला आपका 40 साल या 50 साल जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा गुजरेगा। और वो शुरू का 30 साल 25 साल आप थोड़ा सा मिसमैच या कुछ मिसयूज करते हैं तो आने वाला 50 साल आपको मिसयूज होना पड़ेगा, वो आपका 50 साल खराब हो जाएगा। वो मतलब मेरा ऐसा खुद का मानना है कि देखने के लिए, जिंदगी देखने के लिए, घूमने के लिए सारा जीवन पड़ा है। आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बाद तो आपको वही करना है ना, घूमना ही है, मस्ती ही करना है, खेलना है, जो भी करना है कर सकते हैं। लेकिन पढ़ने का वो समय चला जाएगा तो फिर लौट के नहीं आएगा, फिर आपको अफसोस होगा कि मैं भी ये चीज कर सकता था। तो ये नहीं करना है, अफसोस नहीं करना है। जब आपको मौका मिला है पढ़ने का, पढ़ गुजरिए ना। अब पढ़ना तो सबसे आसान काम है। आपको तो कोई घर बनाने नहीं कहा गया कि आप घर बना दीजिए। तो पढ़ना है क्या, बुक निकालना है, पढ़ना चालू कर देना है। आप जब पढ़ने लगेगा तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि फिर लगेगा कि इससे अच्छा कोई आसान काम कुछ धरती में है ही नहीं पढ़ने के अलावा। लेकिन एक बार जब उसमें आपको रुचि हो जाए, तभी रुचि ना हो तो फिर हमको लगता है कि फिर वो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा बर्डन है, बोझ लगने लगेगा। तो कोई भी काम को बोझ के तरह ना लें, अपने उसको हंसते खेलते पढ़ाई करें, अच्छा लगेगा। उसमें कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को कोर्स के अलावा भी कुछ चीज पढ़ना चाहिए, उससे इंस्पिरेशन मिलता है, उससे आपका सोच बदल जाता है कि नहीं ये भी ऐसा भी लाइफ हो सकता है, ऐसा भी लाइफ लोग जीते हैं, ऐसा भी लाइफ में आगे बढ़ने का ये रास्ता मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। हो सकता है कि वो बुक आपका टर्निंग पॉइंट हो जाए आपके जीवन के लिए। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अपने सिलेबस से हटके भी कुछ बुक्स पढ़ना चाहिए, नॉवेल्स हो गया, फिक्शन हो गया, स्टोरी, किसी भी व्यक्ति का आप स्टोरी पढ़ लीजिए जिसके बारे में आप इंस्पायर्ड होते हैं, तो आपको उसको लगेगा कि वो सक्सेस तभी हुए जब उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने भी मेहनत की अपने जीवन में। कोई भी सक्सेसफुल इंसान का लाइफ के बारे में आप पढ़ते हैं, देखते हैं या टीवी में या कोई भी सेक्टर में, फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनकी लाइफ के बारे में आप जब देखिएगा तो लगेगा कि उन्होंने भी स्ट्रगल किया अपने जीवन में। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि इनबॉर्न रिच होते हैं, इनबॉर्न, तो वो कुछ परसेंटेज ही कर सकते हैं आप, इनबॉर्न हैप्पी होते हैं वो लोग। तो नॉर्मल में तो आप है, नॉर्मल लोग तो उसका होते नहीं है ना। तो हम लोग नॉर्मल पर्सन है, तो हमको वैसा करना है जो सभी लोग करते हैं। सभी लोग मेहनत करके निकले हैं। अब सक्सेस का कोई सीक्रेट स्टोरी नहीं होता, सक्सेस पाने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई ट्रिक नहीं है कि ये कर लिया तो ये ऐसे सक्सेस मुझे मिल जाएगा, कोई शॉर्टकट इसका नहीं है। वो आप यदि वो कहते हैं ना कि आप जितना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं उतना ज्यादा आप में आप ग्रो अप हो जाते हैं उस चीजों के बारे में, उतना आपने एक्सपीरियंस उस चीज के बारे में आपको आ जाता है और आप बेहतर ढंग से उस चीज को
कर सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं और इस चीज को साबित कर सकते हैं कि हाँ वो भी किया तो मैं भी कर सकता हूँ, और आपके नेक्स्ट जो जेनरेशन होते हैं उन्हें भी हेल्पफुल होता है, उन्हें भी कुछ सीखने को मिलता है कि हमारे पापा या हमारे फैमिली मेंबर में इतने लोग अच्छे हैं, तो आपका बच्चा भी उस चीज से इंस्पायर्ड होता है, वो भी एक अच्छे ट्रैक पे जाता है। यू आर नॉट बिल्डिंग योर करियर, यू आर बिल्डिंग योर जेनरेशन करियर ऑल्सो। यदि आप अच्छे चीजों से गुजरते हैं तो आपके फैमिली में क्या आपके सभी लोगों को फायदा होता है, देश को फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि आपके एक नौकरी से सिर्फ आपको फायदा हो रहा है, आपके एक नौकरी से आपके देश को फायदा हो रहा है, आपके घर को, सोसाइटी को, आप जैसे उसको रिलेट कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में आप देखिए, तो फायदा उस हर कोई को हो रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि देश को आगे बढ़ाने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, देश आपको इतना कुछ दे रहा है, आप देश को क्या दे रहे हैं, और आप खुद देखती हैं कि देश इतना अच्छा है देश हमारा कि इतना अच्छा देश तो कोई देश ही नहीं। हर कल्चर, हर वैरायटी के लोग, हर तरह के चीज आप घूमने के लिए, इतना चीज है कि आप थक जाइएगा देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ वैरायटी में कमी नहीं आएगी। आप किसी भी स्टेट में जाइए, कोई भी स्टेट, एनी स्टेट इन इंडिया, हर स्टेट की अपनी खूबसूरती है, कल्चर की, डिजाइन, फूड की बात करें, ड्रेसिंग की बात करें, एजुकेशन की बात करें, आप हर स्टेट में जाइए आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो मुझे ऐसा ही कहना है सभी लोगों से कि बस अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने के लिए पहले थोड़ा सा आपको दो आपके जीवन का 20 साल 25 साल थोड़ा मेहनत करना चाहिए जिस फील्ड में आप करते हैं, चाहे वो खेल के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो या बिजनेस के फील्ड में हो, जिस फील्ड में करें अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बेटर हो, कुछ दे के जाए दुनिया को, कुछ ऐसा दे के जाए जो दुनिया आपका नाम ले। मतलब कि मरने के बाद कोई तो कहे कि यहाँ बंदा था जो उसने कुछ दे के दिया। मान ली आपके नाम को देश ना जाने, मगर आपके फैमिली मेंबर तो जानेंगे, आपकी सोसाइटी तो जानेंगे, आपकी कॉलोनी तो जानेंगे ना, कुछ तो ऐसा कर दो। जीने के लिए तो सभी लोग जी के चले जाएंगे, सभी को जाना है, आना जाना तो ये ऊपर वाला का निराला खेल है, सबको जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग भगवान को याद करते हैं, हमेशा याद करते हैं, क्यों याद करते हैं, क्योंकि उससे हमको इंस्पिरेशन मिलता है। कोई तो आपको याद करे, कोई आपको आपसे कुछ सीखे, आप सबसे सीखते हैं अच्छी बात है, लेकिन कोई आपसे सीखे ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं चाहूंगा कि इन्हीं के साथ मैं अपना बातचीत को विराम देता हूं, और मुझे लगता है कि जो मुझे समझ में आज इतना सारी बातें मैं आपको सारी बातें बताया। जबकि भी बातें थी जो उससे मुझे पता लग रहा है कि आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं, और अब मैं अपने दर्शकों को भी कहूंगी कि इनकी जितनी भी दृढ़ निश्चयता थी और जो स्ट्रेंथ इनके अंदर थी, वही क्वालिटीज आप अपने अंदर भी अपनाएंगे तो आप सिर्फ सफल ही नहीं है, जिंदगी में बहुत बेहतर इंसान भी बनेंगे। तो सर आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, आप आखिरी कहना चाहेंगे तो बिल्कुल। देखिए मेरा ऐसा खुद का मानना है कि इस धरती में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं लिया जिसमें कोई ना कुछ गुण ना हो। हर व्यक्ति में कुछ गुण है, बस होता क्या है ना कि उस गुण को वो व्यक्ति समझ नहीं पाता। कभी कभी क्या होता है कि उस व्यक्ति को कुछ अच्छे मेंटर्स मिल जाते हैं, अच्छे लोग मिल जाते हैं, उन्हें गाइड कर देते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है कि पहले से ही पता चल जाता है कि मुझ में ये क्वालिटी है। कुछ लोगों को क्या होता है कि बाद में पता चलता है, लेकिन क्वालिटी सभी व्यक्ति में है। भगवान सभी व्यक्ति को कुछ ना कुछ क्वालिटी दे के ही भेजते हैं। तो बस मेरा इतना ही मानना है कि अपने क्वालिटी को, मतलब इनहेरेंट कैरेक्टर को, इनहेरेंट आपके टैलेंट को निकालना है, उस टैलेंट को दिखाना है, फिर देखिए आपको हर चीज मिलेगा जीवन में। ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज आपको ना मिले। और नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स काम नहीं करना है, हमारा सिंपल सा काम है। आप अच्छा सोचिए, अच्छा विचार रखिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, आपको भगवान हमेशा अच्छा करेंगे। किसी भी स्टेज पे कहीं भी आप रहिए, किसी भी प्लेस में रहिए, चाहे आप इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर रहिए, कहीं भी रहिए, और आप
आप कहीं भी जाइए तो आपको लोग आपसे हैप्पी फील करें, आप अपने आप ऐसा मेंटेन कीजिए, अपने आप ऐसा बनाइए कि कोई लोग आपसे मिले तो ही फील हैप्पी, कि लगा कि हाँ यही व्यक्ति से मिला तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा सोच रखने से क्या होता है ना कि आप भी हमेशा खुश रहते हैं और आपके साथ जो सबॉर्डिनेट स्टाफ मेंबर्स जो भी हैं, जहां भी आप हैं, ही विल फील ऑल्सो हैप्पी, लगेगा कि हाँ एक फैमिली मेंबर से तो हम लोग काम कर रहे हैं। काम तो तभी अच्छा लगता है करने में कि जब आपको अपने आप में खुशी मिले, और फिर आप देखिएगा कि काम भी काफी अच्छा होगा और काफी उस काम में ग्रोथ होता है। आप जब आपके मन से काम करते हैं, हैप्पी रहते हैं ना, तो काम में खुद आपके ग्रोथ दिखेगा, आपकी स्माइल आपकी हमेशा आपके फेस में रहेगा। इसीलिए मेरा ये कहना है लास्टली, बस वो कहते हैं ना कि किसी फिल्म में मैंने ये सुना था कि गाय जो है मुस्कुराए जाओ, क्या पता कल हो ना हो, तो बस इस लाइन को हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ भी आसान होती है, फिल्मों की तरह हमारी भी जिंदगी होती है। कुछ हम लोग कैरेक्टर को यहाँ प्ले करने आए हैं, कुछ प्ले करना है, जो हम लोग को कैरेक्टर दिया गया उस कैरेक्टर को हम लोग को निभाना है। बस आप उस चीज को कितना बेहतर निभा सकते हैं ये आपके ऊपर है। मौका तो भगवान ने आपको दिया ही है कुछ ना कुछ करने के लिए, किस कैरेक्टर को कितना निभा सकते हैं आप निभाइए। आपके जीवन में हर तरह का सीन आता है, कभी लाइफ में स्टोरीज में इमोशन है, ड्रामा है, स्ट्रेटजी है, वट एवर यू लाइक, आप उस मोमेंट को कैसे आप रिएक्ट करते हैं, कैसे रियलाइज करते हैं चीजों को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको देखिए आप हर चीज आपके लाइफ में, आप शुरू से लेके अंत तक लाइफ को आप एनालाइज करके देखिए। आप छोटे बच्चे रहते हैं, मम्मी पापा का प्यार मिलता है, धीरे धीरे बड़े होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि क्या करना है, आपकी शादी होती है, जनरेशन आपके बढ़ते हैं, फिर वहां से लाइफ अलग से चेंज होता है। तो सबसे हमारी जिंदगी तो फिल्मों की तरह ही होता है ना, इसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कुछ करने को मौका मिलता है, तो क्यों ना करें, जब मौका मिला है भगवान ने दिया है इस अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़े हम, कुछ तो करके जाएं। अच्छा ही लगता है करने से, और आप कुछ अच्छा करते हैं तो सभी लोग भी अच्छे होते हैं, और अच्छा ही है ना। आप मान लीजिए बुरा करने के लिए हम बुरा क्यों करें, हम बुरा करने वाले कौन होते हैं, कोई नहीं। जब किसी काम अच्छा ना कर सके तो उस व्यक्ति का हम बुरा क्यों करें, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए जीवन में। बस अच्छा सोचिए, देखिए आपको हर जगह अच्छा लगेगा, चाहे वो छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो। शहर बड़ा नहीं होता, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग बड़ा होना चाहिए, आप कहीं भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कहीं भी कोई चीज पढ़ सकते हैं, कहीं भी जी सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। बस खाली अपने आप को, अपने विचारधारा को बदलिए, अपने विचारधारा में परिवर्तन लाइए, और कुछ चीजों को सवाल नहीं करना है। कुछ होता है ना, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे जीवन में, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए, लेकिन हर समय आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। किसी मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि भगवान होते हैं, मैंने देखा नहीं तो मैंने क्यों बिलीव करूं, तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये बिलीफ है कि हमारा ये ऐसा मानना है, एक डिवाइन पावर है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है, पूरी हिस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है। अब इस पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि हमने देखा नहीं तो हम कैसे बिलीव कर लें। दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स वी शुड ऑलवेज फॉलो। हम कभी क्रिकेट खेलते हैं तो क्या कभी हमने कभी किसी से ये सवाल किया है कि उसमें ये क्रिकेट का स्टार्टिंग किसने किया, इसमें तीन स्टंप्स ही होते हैं, चार स्टंप्स क्यों नहीं हो सकता। हम लोग जाते हैं सिर्फ खेल को एंजॉय करते हैं, वहां पे कोई सवाल नहीं करते ना। जब हम कोई सवाल नहीं करते हैं तो उस चीजों को, उस खेल का इंपॉर्टेंस को एंजॉय करते हैं। अब जहां सवाल कीजिएगा बेसिक्स के साथ तो वहां उस चीज को समझ नहीं पाइएगा। वैसा ही मैं आपको एग्जाम्पल बता और देता हूं। कभी आप आइसक्रीम खाने गए हैं, आइसक्रीम के साथ आप कभी सवाल किए कि आइसक्रीम कहां से बन के आया, अमूल कंपनी का है कि दूसरी कंपनी का है। सिर्फ आप लेती हैं, टेस्ट करती है। यदि हम ये सवाल करेंगे कि नहीं किस कंपनी का है, तब तक में तो वो मेल्ट हो जाएगा, आप उस चीज को टेस्ट भी नहीं कर पाइएगा। तो कुछ चीजों को सवाल नहीं करना है, उसको अपने लाइफ में अपने माता पिता के साथ सवाल नहीं करना है। कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो आपको वो दिए हैं, हर माता पिता अपने बच्चे को कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स सिखाते हैं, और जो भी सिखाते हैं उस चीज पर आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उसको
आगे बढ़ना है वो आपका बेस है, वो आपका फाउंडेशन स्टोन्स है, उसी स्टोन्स के आगे आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने इमारत को खड़ा करना है। तो हर समय अपने अपने आप को पॉजिटिव सोचिए, अच्छे से रखिए। और मैं क्या बोलूं, मैं मुझे लगता है कि जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं कुछ बता रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं, जिंदगी के बहुत ही अच्छे मैसेजेस आपने हमें दिए हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका फिर से एक बार कि आपने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद आपके चैनल को भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बातों को रख पाया। और शायद इस चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति मेरे बातों को सुन के 1% भी, एक लोग भी कुछ इंस्पायर्ड हो जाए, एक लोग भी अपने जीवन में बदलाव ला लें, तो मैं अपने आप को बहुत धन समझूंगा, भाग्यशाली समझूंगा कि ऊपर वाले ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, इतनी अपनी अपनी दिल की बात को मैं अपने लोगों को बता पाया। और मैं चाहूंगा कि शायद कोई व्यक्ति मेरे वीडियो से इंस्पायर्ड हो जाए और कुछ अपने जीवन में परिवर्तन ला ले, कुछ सक्सेस को पा ले, और कभी ना कभी उससे मुलाकात तो हो ही जाएगा। ऊपर वाला कहते हैं ना कि किसी चीज को दिल से चाहो तो आपको कभी ना कभी उससे मिलना मिला ही देती है, आज ना कल मिल ही जाएगा वो व्यक्ति। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपके चैनल का धन्यवाद। मैडम जो थे हमारे साथ रवि कुमार जी, उन्होंने अपनी जिंदगी की बहुत ही बड़ी बातें हमें बताई है, जो जर्नी मैंने आपसे कहा था कि बाकी उनसे थोड़ी सी अलग है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन दिखाई है, तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अपनी जिंदगी में उन क्वालिटीज को अपनाएं, मैं भी अपनाऊँ और आगे बढ़ती रहूँ, और जिंदगी में सिर्फ सफल नहीं एक बहुत अच्छा इंसान हम बने। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत इंस्पायरिंग लगेगा, इंटरव्यू, और आप इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे और आप भी सफलता पाने में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। If you like our videos, please do like, comment, share and subscribe, and do not forget to hit the bell icon so that you get notifications when our videos are uploaded. Thank you.